Hello everyone, my name is Kuldeep. और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे परसोनल एडमिनिस्ट्रेशन मॉडर्न स्टेट्स में परसोनल एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक इम्पोर्टेंट है इनफैक्ट सोवरन सुप्रीम फैक्टर है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का personal का मतलब इम्प्लॉय से है और परसोनल एडमिनिस्ट्रेशन वाइडर मीनिंग को एक्सप्लेन करता है जिसमें हम गवर्नमेंट के परसोनल की क्लासिफिकेशन रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग प्रमोशन कंपनसेशन डिसिप्लिन और रिटायरमेंट बेनिफिट्स को डील करते हैं पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में हम मिलिट्री जुडिशियल और पुलिस सर्विसेज को भी इंक्लूड करते हैं बात करें अगर पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में ब्यूरोक्रेसी के टाइप्स की तो एफएम मार्क्स ने अपनी बुक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट में चार प्रकार की ब्यूरोक्रेसी की बात की है नंबर वन गार्डियन नंबर टू कास्ट नंबर थ्री पेट्रोनेज एंड नंबर फोर मेरिट गार्डियन ब्यूरोक्रेसी मींस कि इस सिस्टम में सिविल सर्वेंट्स को सोसाइटी में जस्टिस और वेलफेयर के गार्डियन कंसीडर किया जाता है उनकी सिलेक्शन एजुकेशनल बेस्ड होती है यह है ब्यूरोक्रेसी एंशियट चाइना में और सेवेंटीन एटीन सेंचुरी रशिया यानी जर्मनी में थी उसके बाद है कास्ट सिस्टम तो इस सिस्टम में डोमिनेट क्लास ब्यूरोक्रेसी को होल्ड करती है उसके बाद है पेट्रोनेज इस सिस्टम में ब्यूरोक्रेसी रिक्रूटमेंट पॉलिटिकल रिवार्ड होता है और इस सिस्टम को यूएसए में पोल सिस्टम के नाम से जाना जाता है मेरिट ब्यूरोक्रेसी ब्यूरोक्रेसी को सबसे फेमस सिस्टम जिसने पेट्रोन सिस्टम को रिप्लेस किया ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल सिस्टम को बेस बनाकर इन दोनों के बीच जो रिलेशन है डेवलपिंग कंट्रीज में ब्यूरोक्रेसी की पांच क्लासीफिकेशन करते हैं नंबर वन रिप्रेजेंटेटिव ब्यूरोक्रेसी यह ब्यूरोक्रेसी कॉम्पिटिटिव पॉलिटिकल प्रोसेस में देखने को मिलती है यह है चुनी हुई सरकार के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है पार्टी स्टेट ब्यूरोक्रेसी यह ब्यूरोक्रेसी जहां पर तानाशाह शासन होता है देखने को मिलती है और पार्टी ब्यूरोक्रेसी स्टेट की ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल और डोमिनेट करती है मिलिट्री डोमिनेटेड ब्यूरोक्रेसी यह ब्यूरोक्रेसी जहां पर आर्म्ड फोर्सेस पावर पोजीशन को होल्ड करती है देखने को मिलती है और आर्म्ड फोर्सेस ब्यूरोक्रेसी में अपने

वेलफेयर ओरिएंटेशन होने के कारण जो पावर का है, वो के में हमें देखने को मिलता है तो दो तरह की इनकी क्लासिफिकेशन देखने को मिलती है पोजिशनल क्लासिफिकेशन एंड रैंक क्लासिफिकेशन पोजिशनल क्लासिफिकेशन में पोजीशंस को स्पेसिफिक ग्रुप्स में किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड क्वालिफिकेशन इस सिस्टम की बेसिक यूनिट पोजीशन या फिर पोस्ट को माना जाता है और ये हमें यूएसए कनाडा जापान में देखने को मिलते हैं नंबर टू रैंक क्लासिफिकेशन जहां पर इम्प्लॉयज को हेराकल ऑर्डर में क्लासिफाई किया जाता है ना कि उनकी जॉब को फॉर एग्जाम्पल यूके इंडिया फ्रांस पाकिस्तान बात करें अगर इंडिया की तो इंडिया में सिविल सर्विसेज में हमें ग्रुप ए ग्रुप बी ग्रुप सी गो और ग्रुप डी की सर्विस देखने को मिलती है ग्रुप ए और बी की सर्विसेज को हम गजटेड क्लास बोलते हैं यानी कि जिनकी सिलेक्शन ग्रुप ए या फिर ग्रुप बी की सर्विस में हुई है उनको गजटेड ऑफिसर बोला जाता है उनके नाम गवर्नमेंट गजट में पब्लिश किए जाते हैं जब भी उनकी अपॉइंटमेंट होती है ट्रांसफर प्रमोशन या फिर रिटायरमेंट होती है ग्रुप ए और बी को तो गजटेड ऑफिसर या फिर ऑफिसर बोला जाता है जबकि ग्रुप सी और डी सर्विसेज को इम्प्लॉयिस बोला जाता है 1966 में जब एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन बैठा था तो उसने बोला था कि इंडिया में रैंक क्लासिफिकेशन की जगह पोजीशन क्लासिफिकेशन को करना चाहिए। फिफ्थ पे कमीशन जो कि 1994 में सेटअप हुआ था उसने भी ये सजेस्ट किया था कि इंडिया में गजटेड और नॉन गजटेड पोस्ट का जो सिस्टम है उसे खत्म कर देना चाहिए और फंक्शनल क्लासिफिकेशन को अडोप्ट करना चाहिए नेक्स्ट है रिक्रूटमेंट यानी भर्ती तो रिक्रूटमेंट को हम सिंपली बोल सकते हैं कि अप ऑफ पोस्ट जब एक खाली पोस्ट होती है तो उसको भरना तो आज के टाइम पीरियड में तो हमें मेरिट सिस्टम जो है वो देखने को मिलता है मगर मेरिट सिस्टम से पहले यूएस में स्पॉयल सिस्टम यूके में पेट्रोनई सिस्टम और फ्रांस में सिस्टम ऑफ सेल ऑफ ऑफिस देखने को मिलता था चाइना पूरी दुनिया का पहला ऐसा देश था जिसने साइंटिफिक सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट अडॉप्ट किया था सेकेंड सेंचुरी बीसी में यहां पर रिक्रूटमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के थ्रू होती थी और उस वक्त इस सिस्टम को चाइना में मैंडारिन सिस्टम के नाम से जाना जाता था मैंडारिन एक चाइनीज वर्ड है जिसका मतलब पर्सन होल्डिंग हाई ऑफिस होता है बात करें अगर मॉडर्न टाइम पीरियड की तो प्रशिया यानी कि प्रेजेंट जर्मनी पहला ऐसा देश बना जिसने साइंटिफिक सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट को अडॉप्ट किया एटीन सेंचुरी में एंड आफ्टर दैट 1853 में इंडिया ने साइंटिफिक सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट को अडॉप्ट किया बात करें अगर रिक्रूटमेंट मेथड्स की तो दो तरह के मेथड्स हमें देखने को मिलते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि वेकेंट पोस्ट को फिल किया जाता है एक फ्रेश कैंडिडेट के द्वारा और इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट में ट पोस्ट को ही फिल किया जाता है मगर एक सूटेबल और एक्सपीरियंस कैंडिडेट के द्वारा जो कि ऑलरेडी सर्विस में होते हैं रिक्रूटमेंट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए तो एक होती है जनरल क्वालिफिकेशन जो कि सभी के लिए एप्लीकेबल होती है और दूसरी होती है स्पेशल क्वालिफिकेशन जैसे कि कुछ जॉब्स के लिए स्पेशल एजुकेशनल बैकग्राउंड होनी चाहिए कुछ जॉब्स में एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है और कुछ जॉब्स में टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए रिक्रूटमेंट के लिए कौन कौन से सिस्टम्स का इस्तेमाल होता है तो चार तरह के सिस्टम यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम यानी कि, कि जहाँ पर ओपन कॉम्पिटिशन होता है सभी एलिजिबल यूथ के लिए नंबर थ्री एक्सपर्टाइज सिस्टम जहाँ पर टेक्निकल एजुकेशन रिक्वायर्ड होती है एंड नंबर फोर लेटरल एंट्री सिस्टम तो सीनियर सिविल सर्विस में कुछ सर्टन पोस्ट होती हैं परसेंटेज रखा जाता है जहां पर पर्सन बिलोंगिंग टू अदर फील्ड ज्वाइन करते हैं नेक्स्ट है ट्रेनिंग तो ट्रेनिंग के बारे में एस एल गोयल बोलते हैं कि ट्रेनिंग एक एक्शन प्रोसेस होता है जिसके द्वारा इंडिविजुअल की कैपेबिलिटी को इम्प्रूव किया जाता है सो so दैट वो ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स को पूरा कर सके इन टर्म्स ऑफ नॉलेज स्किल्स एंड एटीट्यूड जो कि जॉब के लिए रिक्वायर्ड होते हैं इन ऑर्डर टू परफॉर्म ऑर्गेनाइजेशनल टास्क एंड फंक्शन इन स्पेसिफिक गिवन टाइम पीरियड बात करें अगर ट्रेनिंग के रोल की तो एश्टन कमेटी 1944 फोर्टी जो की यूके में सेटअप हुई थी वो पहली ऐसी कमेटी थी जिसने सिविल सर्विस के ऊपर थोड़ा एनालाइज किया था ट्रेनिंग को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं इनफॉर्मल ट्रेनिंग एंड फॉर्मल ट्रेनिंग इनफॉर्मल ट्रेनिंग का मतलब होता है कि वर्क को एक्चुअली करते हुए सीखना अंडर द गाइडेंस ऑफ सीनियर ऑफिसर्स फॉर्मल ट्रेनिंग का मतलब होता है एक ऐसी ट्रेनिंग जो की ऑर्डरली मैनर में प्रोवाइड करवाई जाती है थ्रू प्री अरेज और वेल डिफाइंड के द्वारा फॉर्मल ट्रेनिंग्स में हमें फॉलोइंग टाइप्स जो है वो देखने को मिलते हैं अंडर एक्सपर्ट गाइडेंस एंड सुपरविजन एक तो प्री एंट्री ट्रेनिंग होती है देन ओरिएंटेशन ओरिएंटेशन ट्रेनिंग होती है देन इंडक्शन ट्रेनिंग ये ट्रेनिंग जो सेंटर्ड होती है इन सर्विस ट्रेनिंग यह कैंडिडेट को अपनी सर्विसेज ज्वाइन करने के बाद प्रोवाइड करवाई जाती है ट्रेनिंग इसमें इम्प्लॉय को फर्स्ट हैंड नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए डिपार्टमेंट और फील्ड स्टेशन की इंस्पेक्शन के बाद इंट्रोडक्टरी लेक्चर की एक सीरीज शामिल है सर्कुलर ट्रेनिंग इस ट्रेनिंग में ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिविजन के फ्रीकुंट रीअसाइनमेंट शामिल है देन पोस्ट एंट्री ट्रेनिंग इसका मेन उद्देश्य जनरल एबिलिटी को बढ़ाना होता है इसके ट्रेनिंग में कौन कौन सी टेक्निक्स का सहारा लिया जाता है तो लेक्चर्स मेथड का सहारा लिया जाता है सिंडिकेट मेथड इसमें स्टडी प्रोजेक्ट की असाइनमेंट इन्वॉल्व होती है और इस असाइनमेंट में तीन से शामिल होते हैं ग्रुप के लिए रिक्वायर्ड होती है डेप्थ स्टडी ऑफ दैट सब्जेक्ट और इसके लिए इनको गाइडेंस मिलती है फैकल्टी मेंबर्स की देन केस स्टडी मेथड इसमें पर्टिकुलर सब्जेक्ट को इंटेंसिव एंड इन डेप्थ स्टडी किया जाता है और उन लोगों के द्वारा नरेट किया जाता है जिनके पास फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता है देन इंसिडेंट मेथड यहाँ पर ट्रेनिर्स को एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स के कुछ फैक्ट्स जो हैं वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं और उसके बाद उन्हें सॉल्यूशन ढूंढने के लिए बोला जाता है नंबर फाइव रोल प्ले जिसमें एक्चुअल फील्ड सिचुएशन को क्रिएट किया, किया जाता है जिसमें अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करते हैं मैनेजमेंट गेम्स जहां पर ऑब्जर्वेशन के जरिए फ्लॉज को रिमूव किया जाता है अगर बात करें हम इंडिया की तो इंडिया में अलग अलग सर्विसेज के लिए अलग अलग ट्रेनिंग एजेंसीज देखने को मिलती हैं। वन बाय वन सभी को डिस्कस करते हैं नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया का एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है जिसकी establishment 1959 में उत्तराखंड के मसूरी में हुई थी और 1972 में इसका नाम बदलकर लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी रख दिया गया था यहां पर आई को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाती है देन नेशनल पुलिस अकेडमी तो राजस्थान के माउंट आबू में 1948 में सेंट्रल पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज एस्टेब्लिश किया जाता है और इंडिया में जब नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होती है तो उस वक्त इस सेंट्रल पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज को हैदराबाद में शिफ्ट कर दिया जाता है एंड देन कोहली कमेटी की रिकमेंडेशंस के ऊपर इसका नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी कर दिया जाता है यहां पर आईपीएस ट्रेनी को ट्रेनिंग दी जाती है और यह मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है उसके बाद है नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी तो 1938 में इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज जो है देहरादून में स्टेब्लिश किया जाता है 1987 में इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट अकेडमी कर दिया जाता है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट के अंडर आता है यहाँ पर IFS को ट्रेनिंग दी जाती है अगर हम बात करें प्रोमोशन की तो तीन तरह की प्रमोशन देखने को मिलती है, grade, जैसे एक typist, जो है वो सीनियर टाइपिस्ट बनता है देन लोअर क्लास टू हायर क्लास जैसे कोई क्लर्क होगा वो एग्जेक्टिव क्लास में प्रमोट होकर चला जाता है एंड देन फ्रॉम लोअर सर्विस टू हायर सर्विस अगर कोई मान लो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में ज्वाइन करता है और वो कुछ सालों बाद प्रमोट होकर आई बन जाता है प्रमोशन के लिए कौन कौन से प्रिंसिपल का रोल हमें देखने को मिलता है, तो है मेरिट तो एकदम क्लियर है और अगर हम बात करें सीनियोरिटी कम मेरिट प्रिंसिपल की तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है की यहाँ पर प्रमोशन जो है वो लेंथ ऑफ सर्विस और साथ ही साथ एक इंडिविजुअल की जो क्वालिफिकेशन उसकी जो अचीवमेंट है उसको भी देखकर होती है एक स्मार्ट फैक्ट यहाँ पर सिविल सर्वेंट किसी भी सर्विस एसोसिएशन का हिस्सा नहीं बन सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा इनको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता अगर वो ऐसा करते हैं तो उनके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन जो है वो हो सकता है सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स सिविल सर्वेंट्स को रोकता है किसी भी तरह की स्ट्राइक्स में शामिल होने से सेकंड पे कमीशन ने ये एडवाइस किया था कि सिविल सर्वेंट्स के पास राइट टू स्ट्राइक नहीं होना चाहिए और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन 1966 तो एक स्टेप आगे जाते हुए ये बोलता है कि सिविल सर्वेंट्स जो हैं उनके स्ट्राइक राइट्स के ऊपर कंप्लीट बैन लगा देना चाहिए ब्यूरोक्रेसी को समय समय पर भी किया गया है इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे स्टार्टिंग विद मुंद्रा केस केस 1957 तो इस में क्या होता है कि एक करोड़ पच्चीस लाख का फंड जो कि नेशनलाइज्ड लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का था प्राइवेट शेयर्स ऑफ शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंसर्न को खरीदने के लिए इस्तेमाल होता है और उसके बाद दोनों यानी कि उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर टी टी कृष्णमाचारी और उस वक्त के प्रिंसिपल फाइनेंस सेक्रेटरी एच एम पटेल दोनों एक दूसरे को ब्लेम करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस केस का निपटारा करने के लिए वन मैन कमीशन का सेटअप किया और उस कमीशन के हेड थे एम सी चगला तो जो चगला कमीशन था उसकी रिपोर्ट ने यह बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनली अगर हम बात करें तो कोई भी काम जो कि सेक्रेटरी के द्वारा किया जाता है उसकी जवाबदेही मिनिस्टर की ही होती है कंसिक्वेंटली हम ये देखते हैं कि जो फाइनेंस मिनिस्टर थे टी टी वो रिजाइन दे देते हैं आगे है एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स तो इसका मतलब सिविल सर्विस के प्रोफेशनल कोड ऑफ मोरालिटी से है। जर्मनी ऐसा पहला देश था ऐसा पहला मॉडर्न देश जिसने सिविल सर्विसेज का प्रोफेशनलाइज किया और प्रोफेशनल कोड ऑफ कोड फॉर द सिविल सर्वेंट्स को डेवलप किया और ब्रिटिश पहला ऐसा देश था जिसने डेमोक्रेटिक टाइप प्रोफेशनल कोड को सिविल सर्विस में डेवलप किया इंडिया में भी हमें अलग-अलग तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स देखने को मिलते हैं जैसे कि ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट 1954 सेंट्रल सर्विस कंडक्ट रूल्स 1955 रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल्स 1956 भारत की जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है उसने 27 मोड्स ऑफ करप्शन की बात की है कौटिल्य की जो बुक अर्थशास्त्र है उसमें उन्होंने चालीस तरह की करप्शन की बात की है कि चालीस तरह से करप्शन जो है वो की जा सकती है एंड फाइनली अमेरिकन डफल्स कमेटी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिकन सोसाइटी में बड़े स्केल पे करप्शन बिजनेस प्रेक्टिस जो है वो देखने को मिलती है और अमेरिकन सेनेट के द्वारा यानी कि उनके अपर हाउस के द्वारा अमेरिकन डफल्स कमेटी को एस्टेब्लिश किया जाता है और ये रिपोर्ट जो कि एथिकल स्टैंडर्ड्स की बात करती है ये सिर्फ यूएस की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान जो है अपनी तरफ खींचती है सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर थैंक यू वेरी मच